अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको हमेशा खुश और सलामत रखे, तमाम मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। आज हम आपको या अजीज़ु का वजीफा बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि या अजीज़ु रोज़ाना 41 दफ़ा पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। वजीफा बताने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। नाजरीन, जो शख्स रोज़ाना किसी भी वक्त 41 मरतबा या अजीज़ु पढ़ेगा वह माशरे में बेनियाज हो जाएगा, उसकी इज्जत में इजाफा होगा, लोग उसकी इज्जत करेंगे। नाजरीन, ये अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम मखसूस नहीं है। यह अमल रोज करना है, यानी इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। जो शख्स ये अमल करेगा लोगों के दिल में उसकी इज्जत पैदा होगी, लोग उससे इज्जत से मिलेंगे और इज्जत से बात करेंगे। नाजरीन, इस अमल की इजाज़त आम है, इस अमल के लिए आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ यह वजीफ़ा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वजीफ़ा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ऐसे हजरात जिन्होंने हमें दुआ का कहा हुआ है, तो हमारी उन लोगों के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनके जो मसाइल हैं उनको हल फरमाए, और जिस मकसद के लिए कोई अगर वो वजीफ़ा कर रहे हैं तो अल्लाह पाक उस वजीफे के सबब अल्लाह पाक उनके मसाइल हल फरमाए और उनके जायज़ ख्वाहिशात पूरी। अगर कोई किसी परेशान में मुब्तला है तो अल्लाह पाक उसकी परेशानियां दूर फरमाए। तो नाज़रीन, आप लोग से गुजारिश है कि आप कमेंट्स में आमीन जरूर लिख दिया करें, शायद किसी की आमीन से उन लोगों के मसाइल हल हो जाएं।